नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। एक वैकेंसी आई है आरपीएफ की, जिसमें आपके एक गले की हड्डी बना हुआ एक सब्जेक्ट जिसका नाम है जीएस। देखिए, दिल्ली पुलिस और आरपीएफ में ज्यादा सिमिलरिटी है इस जीएस को लेकर, क्योंकि 85 नंबर की दिल्ली पुलिस में जीएस पूछी जाती है और 50 ही नंबर की आपकी आरपीएफ में जीएस पूछी जाती है, ठीक है। और दोनों के सिलेक्शन में बहुत ही अहम रोल जो अदा करती है वह जीएस है, क्योंकि देखिए 120 क्वेश्चन में से आपके 50 नंबर या 50 क्वेश्चन आपके जीएस के पूछे जा रहे हैं, और वहां पर 100 नंबर में से या 100 क्वेश्चन में से आपके 50 क्वेश्चन जीएस के पूछे जा रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा सिमिलरिटी है और बहुत ही ज्यादा जो अहम रोल अदा करती है। अब देखिए, इससे निजात कैसे पाया जाए, ठीक है, इसके किले को कैसे भेदा जाए कि आपका सिलेक्शन हो। देखो इसका, देखो बेटा, सबसे अच्छा तरीका है जीएस को तैयार करने का, वो है कि इसके प्रीवियस ईयर पेपर उठाए, या फिर आप कोई भी क्वेश्चन, यदि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो या कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो ऑब्जेक्टिव टाइप, तो प्रीवियस ईयर पेपर में आप देखोगे कि चार ऑप्शन दिए होते हैं। मान के चलो कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे कि यूएनओ का हेडक्वार्टर किस सिटी में है, किस शहर में है, ठीक है। अच्छा, उसमें आपके चार ऑप्शन दिए हैं। यदि उसमें देखो तीन बाकी जो ऑप्शन है, यदि जो बाकी तीन ऑप्शन है, जैसे जेनेवा है आपके और भी है, ठीक है, द हेग है, बाकी जो तीन ऑप्शन है उनसे भी देखें कि इन इन में, इन इन सिटी में, इन इन शहरों में किस किस के हेडक्वार्टर हैं, जो इंटरनेशनल जो आपकी संस्था है, ठीक है। यदि आप इस तरीकों को अपनाओगे, यदि आप इस तरीके को अपनाओगे तो आपकी जी के मजबूती नहीं होगी, बहुत ही जल्दी आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा, और आप इसका जो अंदाजा ऐसी चीज से लगा सकते हो, आप इसका इफेक्ट आपने मॉक टेस्ट में देखिए, क्योंकि देखो क्वेश्चन बेटा वहीं से बनते हैं, वही क्वेश्चन आते हैं फिर कर। अब की बार आपका उस शहर का पूछ लिया या फिर वो हेडक्वार्टर पूछ लिया, अगले साल कोई दूसरा हेडक्वार्टर पूछ लिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि कोई डेट हो गई, मान चलो कोई भी डेट पूछ ली गई कि ये जो दिवस है किस दिन मनाया जाता है, एक कोई दिवस दे दिया, बाकी जो तीन डेट दिए हैं राइट आंसर के अलावा, बाकी जो तीन डेट दिए उनका भी आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि इस डेट को कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। या फिर किसी महापुरुष के बारे में पूछ लिया, ठीक है, तो पूछ लिया कि पहले जो प्रधानमंत्री कौन थे, या फिर किसी के पहले भारतीय पूछ लिया, किसी साइंटिस्ट के बारे में पूछ लिया, तो बाकी बेटा तीनों जो ऑप्शन है ना, हमें वो एनालाइज करना होगा उनके बारे में भी, ठीक है, उनके बारे में भी हमें पढ़ना होगा, ठीक है, अच्छी तरह से। अब देखिए उसका तरीका क्या है, आपके पास जितने भी सारे नोट्स हैं, हाँ प्रत्येक सब्जेक्ट के आपके पास नोट्स हैं, उनको साथ लेके बैठिए और प्रीवियस ईयर पेपर को साथ लेके बैठिए, ठीक है। आपके जो पीडीएफ कहीं से भी मिल जाएगी, मैं ये नहीं कहता कि वहां से खरीदो वहां से खरीदो, आपको आपकी पीडीएफ पी वाई क्यू भी कहीं से भी मिल जाएगी, नहीं फिर आप एक चैनल है टॉप ट्रेंडिंग जी के, वहां से जो आपके जो टेलीग्राम पर चैनल है वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए, आपके कॉन्स्टेबल और एसआई दोनों के दे रखे हैं, ठीक है। देखो बेटा इस तरह से तैयार करो, और आपने सारी शिफ्टों का इस तरह से एनालाइज कर ली ना, सारी शिफ्टों का जो पेपर है प्रीवियस ईयर पेपर कांस्टेबल और आपके सब इंस्पेक्टर दोनों के, ठीक है। देखो चाहे किसी का कांस्टेबल का हो चाहे किसी का एसआई का हो, सब इंस्पेक्टर वाले देखो कांस्टेबल का पेपर एनालाइज करें और जो कांस्टेबल वाले सब इंस्पेक्टर का भी करें, ठीक है, दोनों जो है दोनों जो पेपर एनालाइज करें, ठीक है, सभी शिफ्टों के एक साथ, ठीक है भाई। और ऐसा नहीं कि एक ही दिन में आप सारा कुछ कर दें, एक ही शिफ्ट का जो एग्जाम देख सकते हैं और उसे एनालाइज कर सकते हैं। अगर दोस्त आपने ये तरीका अपना लिया ना, यकीन मानिए आपका जीएस में, जीएस की ओर से आपको निराशा नहीं मिलेगी, ठीक है दोस्त। इस तरीकों को अपनाकर देखिए, ये बेटा जीएस का हैक है, मैंने 6 सिलेक्शन लिए हैं और 10 से ज्यादा एग्जाम निकाले हैं इसी हैक को अपनाकर, ठीक है। ट्रेनिंग के ज्यादातर मैंने एग्जाम जो है ऑन ड्यूटी दिए हैं, कभी रेलवे में था, कभी यूपी पुलिस में था, ठीक है, कभी दिल्ली पुलिस में था, तो बेटा ये तरीका मुझे आज तक फेल नहीं लगा, ठीक है। मैंने देखिए बाकी सब्जेक्टों से ज्यादा जो अंक अर्जित किए, मैं मैथ में बहुत अच्छा हूँ, ठीक है, मैथ में अच्छा खासा हूँ, मैं पढ़ाता भी हूँ मैथ को, लेकिन मुझे मैथ में देखो, आप देखो मैथ के जिसका मैथ अच्छा होता है रीजनिंग में ज्यादा स्कोर होता है, लेकिन मेरा रीजनिंग से ज्यादा स्कोर आता है हमेशा जीएस में, ठीक है। दिल्ली पुलिस में रीजनिंग में मेरे रीजनिंग में मात्र 17-18 क्वेश्चन ठीक थे, और दिल्ली पुलिस में मेरे 50 में से 39 ठीक थे, 39 जो कि अच्छा खासा स्कोर माना जाता है, और उसी के बल पर मेरा सिलेक्शन हुआ, ठीक है मेरा भाई। तो ये भाई ये तरीका आप अपना आकर देख लीजिए, उसके बाद बताइए कि हाँ भैया आपने कुछ बताया था, ठीक है दोस्त। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।